आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग और कोयले की किल्लत को देखते हुए भारत 76 मिलियन टन कोयले का आयात करेगा। भारत ने चालू वित्त वर्ष में अपने बिजली संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए यह फैसला किया है। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में थर्मल एनर्जी का योगदान अधिक है। ये दशकों से ये ऊर्जा का मुख्य आधार बना हुआ है। देश में थर्मल एनर्जी का कुल हिस्सा 403.75 गीगावाट की स्थापित क्षमता का 51% है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, लेकिन घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे हर साल कोयले का आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत के अप्रैल जून के दौरान 92 लाख टन कोयले का आयात किया गया है। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार अप्रैल जून की अवधि के दौरान भारत की बिजली उत्पादन कंपनियों ने 92.07 लाख टन कोयले का आयात किया। गुरुवार को लोकसभा को एक लिखित जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने सदन को सूचित किया कि मंत्रालय ने 31 मई 2022 से पहले कोयले के आयात के लिए प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी थी ताकि किसी बारिश के मौसम में किसी परेशानी से बचा जा सके। वहीं 14 जुलाई तक भारत में कोयले का घरेलू स्टॉक 23.126 मिलियन टन है, जो जुलाई 2022 के लिए स्टॉक आवश्यकता का 40% है। 31 मार्च को देश में कोयले का स्टॉक 24.18 मिलियन टन था। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी NTPC ने बता दें कि 49.3 लाख टन कोयले का आयात किया। कोयले की खरीद के लिए राज्य की कंपनियों को 3,700 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया। उस राशि में से 1800 करोड़ रुपए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के लिए नियत है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इंपोर्ट किए गए कोयले की ऊंची लागत को देखते हुए देश में बिजली 50 से 80 पैसे महंगी हो सकती है, जो राज्य सी पोर्ट से जितने दूर है वहां बिजली के दाम उतने ही अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।